रिमाइंडर है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बराबर में ये जो बेल बटन बना हुआ आ रहा है इसको जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो एक शॉपिंग हॉल वीडियो फिर से है, लेकिन आज का शॉपिंग हॉल वीडियो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि आज जो शॉपिंग हॉल मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो कोई क्लोथिंग या ज्वेलरी का नहीं है, वो है मेरी बालकनी के लिए शॉपिंग। क्योंकि एक्चुअली मैंने अभी हाल ही में अपनी बालकनी के लिए थोड़ी शॉपिंग की थी, मुझे थोड़ा डिफरेंट टाइप से अपनी बालकनी को डेकोरेट करना काफ़ी पसंद है। हालांकि मैंने पहले से ही काफ़ी कुछ डेकोरेट किया हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में मैंने थोड़ा सा सामान और लिया था अपनी बालकनी के लिए, जो कि आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और शेयर करने का कारण एक ये भी है कि अगर आप अपनी बालकनी को डेकोरेट करने का या उसको रेनोवेट करने का या थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से डेकोरेट करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है कि आप किन चीज़ों से या किस चीज़ों के थ्रू आप अपनी बालकनी को डेकोरेट करें। तो चलिए शुरू करूँ आपको। मैंने अपनी बालकनी के लिए खरीदी है एक ये विंड चैम, जो कि ये मिट्टी की है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी। तो इसकी आवाज थोड़ी हल्की है, लेकिन ये एज ए शो पीस बहुत सुंदर लगती है बालकनी में लगाई हुई। मैंने ऑलरेडी कई सारी विंड चैम्स लगाई हुई हैं, लेकिन मुझे काफी सुंदर लगती है और इसकी सूदिंग आवाज मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने एक ये विंड चैम्स और खरीदी है अपनी बालकनी के लिए। और ये मैंने ली है 200 रुपीज में। और इसके बाद में मैंने लिया है एक ये सन टाइप का, एक आप इसको वॉल डेकोर बोल सकते हैं, ये मैंने लिया है बालकनी में लगाने के लिए। इसका प्राइस है 50 रुपीज। और इसके बाद में मैंने लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हैं छोटे छोटे टर्टल, ये पेयर है टर्टल का, और ये 30 रुपीज ईच मुझे मिला है, तो ये 60 रुपीज के दो मैंने ये टर्टल लिए हैं। हालांकि ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन मैं इनमें पेंट वगैरह करके इसको कुछ और थोड़ा डिफरेंट कर दूंगी। और इसके बाद में मैंने एक लिया है बर्ड हाउस, जो कि मिट्टी का है अगेन, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है प्लेन, ये इस टाइप से है। और इसमें इन्होंने एक ये तार दिया है हैंग करने के लिए, जिसे आप हैंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये प्लेन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसमें पेंट करके फिर इसको लगाऊंगी अपनी बालकनी में। तो ये मैंने लिया है 200 रुपीज का। और इसके साथ ही ये दो मैंने छोटे छोटे से ये मटकी से ली हैं, इसका मैंने कुछ DIY करना है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। इसके साथ में ये लिड भी है छोटी छोटी, तो ये मैंने दो मटकी ली थी, इसका प्राइस है 5 रुपीज ईच। और इसके बाद में एक मैंने लिया है और टर्टल, मुझे टर्टल बहुत पसंद है, तो ये टर्टल मैंने लिया है, आप देख सकते हैं ये कलर्ड किया हुआ है, रेड येलो एंड ग्रीन कलर में है। एक्चुअली तो ये एक मनी बैंक है, लेकिन मैं इसमें पैसे नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसको अपने घर में या बालकनी में कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हैं, तो अगर इसमें पैसे डाल देंगे तो फिर ये खराब हो जाएगा ना, इसको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको ऐसे ही घर में एज अ शो पीस रखूंगी। देखिए लग रहा है ना सुंदर, इसका प्राइस है 150 रुपीज। तो एक मेरे पास पहले भी था और एक मैंने ये और लिया है, तो ये मैं अपनी बालकनी के लिए शॉपिंग की थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इस टाइप की चीज़ों से अगर अपनी बालकनी को डेकोरेट करते हैं तो इसका एक डिफरेंट लुक भी आता है, और अगर आप सेरेमिक या किसी भी कॉस्टली चीज़ों से अपनी बालकनी को डेकोरेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप मॉल से खरीदते हैं या किसी शोरूम वगैरह से लेते हैं तो काफ़ी प्राइस भी होता है उनका,
और जो हमारे जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, उनको भी एक रोजगार मिलता है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट भी लगता है, मेरी ऐसी सोच है तो मुझे अच्छा लगता है, इसे लगता है ना अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं हम, तो मुझे ये इस चीजों से डेकोरेट करना काफी अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज और मैं बोलना भूल गई, इसके बाद का जो वीडियो आप देखेंगे वो मेरा बालकनी डेकोरेट, बालकनी ऑर्गेनाइज मैंने किस तरीके से की है अपनी, और बालकनी टूर जो है वो आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी काफी रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं बना ही देती हूँ बालकनी का वीडियो, और ये चीजें भी मैं वहां पर इंस्टॉल करके फिर आपको बालकनी टूर कराऊंगी। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस पे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरा चैनल पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।